Hello guys, this is Kevin Patil, welcomes you to Digital Eclabba Engineering. Talking about last video, first of all, pardon me, it has some background noises. अगर मुझे uploading से पहले पता चलता तो शायद मैं उनको remove कर देता. But next video में I will take care of it कि background noises ना आए. ठीक है, so last video में हमने एक problem चालू किया था design of spur gear का. उसमें हमें क्या क्या दिया था, power दिया था, N1 that is pinion का speed दिया था and velocity ratio दिया था. उसके लिए हमने profile select किया और उसके justification भी देखे थे. हमने involute profile select किया था, उस why तो easy to cut होता है. Pressure angle 20 degree लिया था, क्यों? क्योंकि base में tooth strong रहता है. Full depth profile लिया था, bearing life more रहता है and close casing लिया था, no abrasive wear रहता है. Alright, after that हमने टीथ फाइंड किए थे, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस. सो Z1 फाइंड किया था, 2F0 साइन स्क्वायर अल्फा. F0 क्या रहता है, हाइट फैक्टर रहता है. स्टॉप टीथ होता तो 0.8 लेते, फुल डेप्थ है इसलिए 1 लेना है. तो इधर 1 डाला है, अल्फा तो हमारा इधर 20 डिग्री है यहां पर, तो ये हमने इधर डाल दिया. हमें Z1 यहां पर 18 मिला था. उसके बाद हमने Z2 निकाला था वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करके. सो N1 अपॉन N2 और Z2 अपॉन Z1. सो यहां से आपको हमें Z2 63 मिल गया. I दिया हुआ है 3.5. मैंने बोला था अगर I इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 तो नहीं रहेगा, 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हंटिंग टूथ ऐड करना पड़ता है. किसमें? Z2 में. ओके, अगर अगर आई हमारा नॉन इंटीजर है तो हम वैसे ही रखेंगे. ओके, तो हंटिंग टूथ का क्या रहता है, हंटिंग का फेनोमेना क्या होता है, वो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था. अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज देखो ये बी पॉइंट था. हमने स्टेप वन में ए पॉइंट देखा है, अभी स्टेप वन का बी पॉइंट देखें. ओके, सो बी पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. नाउ इट इज गिवन ऑन PLG 8.4 एंड 8.5. ओके, सो हम पहले PLG पेज नंबर देख लेते हैं. देखो ये 8.4 है, यहाँ पर 8.4 लिखा है, 8.4 PLG पेज नंबर है. यहाँ पर I लेस देन 8 है, I लेस देन 4 है, I ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. नाउ सी अलग अलग HB वैल्यू है, राइट? HB वैल्यू अलग अलग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा I कितना है, तो 3.5 है. 3.5 है तो ये हमें I लेस देन 4 वाला टर्म जो है वो यूज करना है. अभी हमें ये टर्म यूज करते हैं और हमारा HB जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं कि HB का वैल्यू 350 से ज्यादा है, हमें ये वाला यूज करना है. ओके, I लेस देन 4 के लिए, ये I ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है, या I लेस देन 4, तो हम ये यूज करेंगे. ऑलराइट, सो नाउ I इज कितना है हमारा, 3.5 है, राइट? हमारे I कितना दिया है यहाँ पर, 3.5 दिया है. जो वेलोसिटी रेशियो है वो 3.5 दिया हुआ है. नाउ सी I लेस देन 4 है. भी देखो कि अगर हमें मटेरियल दिया है, प्रॉब्लम में अगर मटेरियल दिया है तो हमें वही सिलेक्ट करना है. अगर मटेरियल नहीं दिया है, अगर मटेरियल नहीं दिया है तो गियर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है, गियर्स के लिए अलॉय स्टील इज द बेस्ट मटेरियल. ओके, अभी ये तो है बेस्ट मटेरियल, बट देखो PLG में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम जो वैल्यू लेते हैं उसके आगे हमारा एक क्वेश्चन आना चाहिए, वाई हमें, भाई व्हाई व्हाई दिस वैल्यू वी आर टेकिंग. अलॉय स्टील ले रहे क्यों? आपको कोई भी बता देगा हाँ अलॉय स्टील लेना है, ये ले लो, चलो आगे, ऐसे नहीं है. व्हाई, ये जो क्वेश्चन है उसका हमें आंसर मिलना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉय स्टील सिलेक्ट करना है. उसका रीजन ये है कि अलॉय स्टील में चलो निकेल बेस्ट है, क्रोमियम बेस्ट है, मॉलिब्डेनम बेस्ट है. ओके, ये सब अलॉय स्टील होते हैं, वो हाई स्ट्रेंथ होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होता है निकेल एंड क्रोमियम ऐड करने के बाद, एंड उनका वेयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. देखो जो गियर्स है वो एक दूसरे में मेशिंग में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल होते हैं, तो वहां पर वेयर एंड टेयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो हमें हाई वेयर रेजिस्टेंस चाहिए होता है और हाई वेयर स्ट्रेंथ चाहिए होता है. तो हमें अगर हम क्रोमियम और निकल बेस्ड अलॉय स्टील यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्ट्रेंथ मिलेगा, विच इज प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ गियर, एंड दूसरा क्या मिलेगा, हाई वेयर स्ट्रेंथ मिलेगा, इसलिए हम अलॉय स्टील यूज करेंगे. ओके, C40 C30 क्या रहता है, ये रहता है प्लेन कार्बन स्टील. ये क्या रहता है, प्लेन कार्बन स्टील. ओके, हमें अलॉय स्टील यूज करना है. अगर देखो अगर मटेरियल नहीं दिया है तो अलॉय स्टील यूज करना है, और आग बंद करके ये लास्ट वाला दो पेयर है ये यूज करो, आग बंद करके ये. देखो पिनियन के लिए ये मटेरियल आएगा और व्हील के लिए ये आएगा, आग बंद कर. व्हाई, उसका भी एक रीजन है मैं बताता हूं.
क्योंकि अगर आपने बाकी बाकी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉय स्टील क्यों यूज करना है मैंने बता दिया। अलॉय स्टील में ये भाई ये नहीं आएगा, C40, C40, ये C50, ये अलॉय स्टील में नहीं आएगा। ओके ये अलॉय स्टील है, ओके जिसमें अलॉयज ऐड किए हैं, निकेल है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है। ओके देखो ये जो हम मटेरियल चूज करेंगे उसके हमें प्रॉपर्टी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मटेरियल नहीं ले रहे, हम मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डिजाइन करने के लिए। तो ये देखो जो 8.5 PSG पेज नंबर है उसके नीचे ही है, वहां पर इन दोनों की प्रॉपर्टी दी हुई है, इसलिए मैंने बोला था ये आग बन करके यही चूज करो, इन दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। और रेड C45 की दी हुई है, लेकिन हमें अलॉय स्टील यूज करना है क्योंकि वो हाई स्ट्रेंथ रहता है, हाई वेयर स्ट्रेंथ रहता है। ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल सिलेक्शन के लिए हमने क्या किया, आई लेस देन 4 यूज किया एंड अलॉय स्टील यूज किया। अलॉय स्टील के लिए हमने ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन यूज किया, पिनियन लिखा है, देखो पिनियन के लिए ये पूरा रो है C45 यूज किया। ओके C45 यूज किया तो आप कौन सा भी यूज कर, C45 यूज किया तो व्हील के लिए आपने ये यूज करो, C50 यूज किया तो व्हील के लिए ये यूज करो, 40 क्रोमियम 1 पिनियन के लिए यूज किया तो व्हील के लिए इन दोनों में से कोई भी एक चूज करो। वैसे ही अब ये पिनियन के लिए हो गया और ये व्हील के लिए हो गया। ऑलराइट तो ये हो गया फॉर पिनियन और ये हो गया फॉर व्हील, और इसकी प्रॉपर्टी इधर नीचे दी हुई है, ठीक है। ओके तो यहां से हमें प्रॉपर्टी कौन से लगने वाले हैं, तो पहले ये हो गया पिनियन का मटेरियल 40 वाला, देखो यहां पर 40 वाला पिनियन का है और 15 वाला गियर का है और व्हील का है। तो ये हो गया हमारा पिनियन का मटेरियल। तो पिनियन के लिए हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी लेनी है, फर्स्ट यहां से आपको सिग्मा बी लेना है, ओके दिख नहीं रहा है, ओके यहां से सिग्मा बी लेना है, दैट इज डिजाइन स्ट्रेस, ओके और बेंडिंग स्ट्रेस यू कैन से केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, केजीएफ में ही लिख दो, उसको आपको न्यूटन में करना है, सिर्फ आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मॉड्यूल दो मॉड्यूल दिए हुए हैं, हम सिलेक्ट करेंगे मॉड्यूल अप टू 6 हम सिलेक्ट करेंगे। ओके ये हमारा अजम्पशन है, हम अजम कर रहे हैं कि मॉड्यूल लेस देन 4 है, 6 है करके। ओके हमें मॉड्यूल पता नहीं है, हमें मॉड्यूल एक्चुअली फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कितना मिल गया, मॉड्यूल 3200 मिल गया, जो सिग्मा बी है 3200 मिल गया, और पिनियन के लिए 4000 मिलेगा एंड व्हील के लिए 3200 मिलेगा। वैसे ही हमें यहाँ से सिग्मा सी कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है वो भी, और डिजाइन स्ट्रेस और कॉन्टैक्ट स्ट्रेस ये दोनों दोनों भी लेने हैं। कौन सा लेना है, सिग्मा बी एंड सिग्मा सी, ये लास्ट वाला पेयर लेना है। ओके सिग्मा बी ये क्यों लेना है, क्योंकि हमें आगे जो कैलकुलेशन है उसमें यूज होने वाला है, सिंपल बात है, इसलिए हमें ये तो लेना है, बाकी का हमें कुछ यूज नहीं होने वाला है। सिग्मा बी व्हील है, व्हील के लिए ये है, पिनियन के लिए ये है, पिनियन के लिए 4000 लेवल 1000, व्हील के लिए 3200 9500, सिग्मा बी सिग्मा सी बेंडिंग स्ट्रेस एंड डिजाइन सरफेस स्ट्रेस और कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। राइट सो मैंने इधर पहले ही एक टेबल बना दिया है, कंपोनेंट मटेरियल सिग्मा बी एंड सिग्मा सी वैल्यू, राइट सिग्मा बी एंड सिग्मा सी वैल्यू। नाउ पिनियन कितना है, तो 40 निकेल टू क्रोमियम मॉलिब्डेनम 28 4000 हमने देखा था, और 11000 वाला पेयर था, गियर के लिए 3200 एंड 9500 वाला पेयर था। तो ये हो गया हमारा मटेरियल सिलेक्शन। अभी हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, ऑल राइट सो डिसाइडिंग व्हीकल एलिमेंट। नाउ देखो ये डिसाइड क्यों करना है, मैंने पहले ही बता दिया, ये पेयर है गियर पेयर है, उसमें से एक ही हमें डिजाइन करना होता है, क्योंकि अगर एक दोनों में से कोई तो एक स्ट्रांग होगा, हम स्ट्रांग तो डिजाइन नहीं करेंगे, जो वीक होगा उसी को डिजाइन करेंगे। तो हमें डिसाइड करना है कौन सा वीक एलिमेंट है, अगर वीक सेफ है तो स्ट्रांग सेफ होगा ही। ओके सो हमें क्या करेंगे, दोनों में से कौन सा वीक है वो डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे लेविज फॉर्म फैक्टर। ओके मैंने लेविज फॉर्म फैक्टर का जो इक्वेशन है वो यहां पर लिख दिया है। ओके सो कैपिटल वाई लेविज फॉर्म फैक्टर, कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये किसके होता है, बेस्ट ऑन डायमेट्रल पिच। ओके और स्मॉल वाई किस किसके ऊपर बेस्ट रहता है, बेस्ट ऑन सर्कुलर पिच, ये हमने लेविस इक्वेशन में देखा है। तो कैपिटल वाई इज क्या रहता है, पाई वाई रहता है, मैंने वो इक्वेशन आपको एक बार दिखाता हूँ, लेविस लेविस डेरिवेशन ऑफ लेविस इक्वेशन में हमने ये देखा था, कैपिटल वाई अपॉन पाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाए, पाई इधर आ जाएगा, तो कैपिटल वाई क्या बन जाएगा, पाई इंटू वाई। तो ये यहाँ पर है कैपिटल वाई इज इक्वल टू पाई इंटू वाई, ये जो पीएच 8.5 है इधर स्मॉल वाई का इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर दिखा देखो वाई इज इक्वल टू लेविस फॉर्म फैक्टर बेस्ड ऑन पी सी,
एंड वाई कैपिटल वाई लेविस फॉर्म फैक्टर बेस्ड ऑन पी डी डायमीटर पिच कैपिटल वाई इज इक्वल टू पाई इन टू वाई। ओके तो हमें स्मॉल वाई चाहिए, स्मॉल वाई का इक्वेशन यहां पर दिया है स्पर गियर, स्पर गियर के इसमें यहां पर पूरे स्पर गियर के फॉर्मूले हैं उसमें यहां पर दिया है वाई इज इक्वल टू 1, 2, 3 फॉर्मूला है 14 1/2 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल ओके एंड 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल 20 डिग्री इनवॉल्यूट स्टब टीथ। हमारी कौन सी है 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वाई का। तो यहां पर मैंने वो फॉर्मूला इधर डाल दिया है। जेड क्या रहेंगे नंबर ऑफ टीथ रहेंगे। ओके ये फॉर्मूला कहां से आता है समझ आ गया, वाई इज इक्वल टू पाई वाई एंड पी एच जी 8.5 से ये वाई का फॉर्मूला मैंने लिया है। नाउ हमें कैलकुलेशन करना है राइट सो मैं पहले लिख देता हूं फॉर पिनियन क्या हो जाएगा तो पाई ही रहेगा चेंज नहीं होगा ये 0.154 वैसे रहेगा माइनस 0.912 एंड जेड की वैल्यू पिनियन के टीथ कितने हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने टीथ कैलकुलेट किए थे 18 थे एंड बाद में 3.5 से मल्टीप्लाई करके जेड टू मिला था हमें राइट सो देखो यहां पर हमने जेड वन 18 निकाले थे उसके बाद हमने जेड टू निकाला था 63। सो हम फर्स्ट पिनियन के लिए कितने टीथ है तो 18 है तो यहां पर 18 डालेंगे हमें फॉर पिनियन जो y1 है वो मिल जाएगा। हम कैपिटल y1 यूज करेंगे पिनियन के लिए हम वन सिंबल यूज करते हैं एंड गियर के लिए सेकेंड टू। ओके तो y1 क्या हो जाएगा अभी आप यहां पर वैल्यू डाल दो कैल्सियम में ये वैल्यू डाल दो आपको ये मिल जाएगा 0.325। सिमिलरली फॉर गियर और व्हील आपको जो लिखना है लिख दो ये क्या हो जाएगा पाई 0.154 माइनस 0.912 अपॉन अभी इसके लिए कितने टीथ है तो हमने 63 टीथ है। ओके तो ये यहां से आपको गियर का भी वैल्यू मिल जाएगा 0.4344 ये आपको वैल्यू कैलकुलेशन से मिल जाएगा ये आपको वाई टू मिलेगा कैपिटल वाई टू। ये वाई वन फॉर पिनियन हो गया वाई टू फॉर गियर हो गया। अभी हमें स्ट्रेंथ फैक्टर कैलकुलेट करना है। ओके सो नेक्स्ट इज अ कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ फैक्टर। ओके सो स्ट्रेंथ फैक्टर एफ एस स्ट्रेंथ फैक्टर एफ एस का फॉर्मूला है सिग्मा बी इंटू वाई। वाई इज क्या है जो फॉर्म फैक्टर हमने निकाला है यहां से वो है सिग्मा बी हमने मटेरियल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है यहाँ पर हमने सिग्मा बी लिखी है तो सिग्मा बी का यूज कहाँ होता है तो स्ट्रेंथ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। ये स्ट्रेंथ फैक्टर क्या होता है तो पिनियन एंड गियर का दो स्ट्रेंथ फैक्टर मिलेंगे जिसका स्ट्रेंथ फैक्टर ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रांग है। सिंपल जिसका स्ट्रेंथ फैक्टर ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रांग है तो फॉर पिनियन पिनियन के लिए क्या होगा एफ एस वन मैं इधर लिख देता हूं एफ एस वन इज इक्वल टू सिग्मा बी वन इंटू वाई वन। सो सिग्मा बी वन कितना है फॉर पिनियन सिग्मा बी है 4000 इंटू वाई वन कितना है 0.325 आया है तो यहां से मैंने स्ट्रेंथ फैक्टर निकाल दिया तो यहां से मुझे यह आएगा 1300 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये kgf में है ये तो फैक्टर है y1 y1 का कोई यूनिट नहीं है y1 का कोई यूनिट नहीं है तो इसका यूनिट होगा वही बन जाएगा kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फॉर गियर fs2 इज इक्वल टू सिग्मा b 2 इंटू y2 तो सिग्मा b फॉर गियर कितना है तो 3200 लेकिन y2 ज्यादा है उसका कितना आया है हमारा 4344 तो 0.4344 तो यहां से हमें एफ एस टू का वैल्यू मिलेगा 1390.08 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट अभी हमें दोनों भी वैल्यू मिल गए हैं सो यहां पे क्लियर है स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर गियर 1390 है यहां पर 1300 है तो कौन सा ज्यादा है एफ एस टू ज्यादा है तो हमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर गियर दैट इज एफ एस टू इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर पिनियन एफ एस वन। ओके हैंस गियर इज स्ट्रांग एंड पिनियन इज वीकर मैं सिंपली लिख देता हूं नाउ एफ एस टू इज ग्रेटर देन एफ एस वन हैंस गियर इज स्ट्रांग गियर इज स्ट्रांग एंड पिनियन इज वीकर
राइट। तो हम डिजाइन क्या किसको करेंगे? देखो जो जो स्ट्रांग है उसको डिजाइन करके कोई फायदा नहीं है, जो वीकर है उसको हम डिजाइन करेंगे, जो वीक है उसको डिजाइन करेंगे, अगर वीक सेफ होता है। चलो मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये पिनियन है और गियर है, पिनियन वीक है सिर्फ 50 kg फोर्स ले रहा है, गियर स्ट्रांग है वो 100 kg फोर्स ले रहा है। मैंने डिजाइन ऐसे किया है, डिजाइन ऐसा किया है कि पिनियन ही फेल नहीं हो रहा है। पिनियन फेल नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि पिनियन के ऊपर आप कितना भी, मतलब 40 kg फोर्स आ रहा है, आपका जो पिनियन है उसके ऊपर 40 kg लोड आ रहा है टोटल लोड, तो ये फेल होगा क्या? क्योंकि वो 50 kg ले सकता है, तो ये फेल नहीं होगा। अगर ये फेल नहीं हो रहा है तो गियर फेल होने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, वो 100 kg से स्ट्रांग है। लेकिन हमने गियर डिजाइन किया, चलो गियर डिजाइन किया और पिनियन वीकर है, तो हमारा लोड आ रहा है 70 kg। गियर तो 100 kg लोड ले रहा है तो ये सेफ है, लेकिन 70 kg के लिए पिनियन फेल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो वीक है उसी को डिजाइन करेंगे, अगर वो सेफ हो जाता है तो स्ट्रांग है वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। सो हमें सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, लेट अस सिलेक्ट पिनियन फॉर डिजाइन, लेट अस सिलेक्ट सिलेक्ट पिनियन फॉर डिजाइन। तो हमें अब डिजाइन प्रोसीजर है वो यहां से आगे चालू, यहां पे हमारा स्टेप वन जो है वो खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप टू चालू करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन अगेन लेविस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। जो हमने मॉड्यूल का फॉर्मूला देखा था लास्ट वीडियो में, हमने निकाला था, वो फॉर्मूला यूज करके हम मॉड्यूल कैलकुलेट करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड जो हमारे लेक्चर्स है वो आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि हम एफर्ट्स ले रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।